रफ़ी साहब के और डैडी के जो ताल्लुकात थे वो तो ऐतिहासिक हैं, बिकॉज दुनिया जानती है कि डैडी को संगीत में जो प्रेरणा मिली थी जब उनकी बड़ी उम्र में आने के बाद, बचपन से गाते तो थे वो, लेकिन तकरीबन कोई 12-13 साल के थे जब उन्होंने वो गाना सुना, उनका नूरजहान जी के साथ ड्यूट था उनका, रफ़ी साहब का। हाँ, और डैडी इतने प्रभावित हुए उनसे, तो छोटी उम्र में ही उनका घर ढूंढा, उनके बारे में पता किया। उस जमाने में मीडिया इतनी बड़ी नहीं थी जी, और किसी के बारे में पता करना बड़ा मुश्किल था। और मेरे ख्याल फिल्म जुगनू, जुगनू से था गाना, यहाँ पर ला वफा का बेवफाई के सिवा किया था। तो उन्होंने मोहम्मद अली रोड में रफ़ी साहब रहा करते थे तब, किताब मंजिल उनकी बिल्डिंग का नाम था। तो डैडी बचपन में ही उनके पास पहुंचे, उनको मिले, और उनके बड़े भाई साहब हमीद भाई उनके साथ थे, उन्होंने उनको अंदर बिठाया। पहली बार जब उनको मिलने गए तो बड़े वो खुश हुए दोनों, कि इतना छोटा सा बच्चा हमें मिलने आया है, किस लिए आया है, क्या है। तो बस वहाँ से सिलसिला शुरू किया। अगले दिन उनको वालिद के साथ बुलाया उन्होंने, और रफ़ी साहब ने कंधा बांधा डैडी को और उनको शागिर्द बनाया। उसके बाद कई रिकॉर्डिंग्स पे डैडी उनके साथ गए, कई शोज पे। इनफैक्ट रफ़ी साहब पहली बार जब प्लेन में बैठे और कलकत्ता गए तो डैडी उनके साथ थे, और बारिश का मौसम था और इतना हिल गया था प्लेन। तो पहली बार जब रफ़ी साहब प्लेन में गए तो डैडी उनके साथ थे, कलकत्ता जा रहे थे दोनों। उनका बहुत बड़ा शो था रफ़ी साहब का वहाँ, और नेताजी स्टेडियम में। तो बॉम्बे से प्लेन रुकता था नागपुर जी जी, और नागपुर से फिर रिफ्यूल करके कलकत्ता जाया करते थे प्लेन। तो बारिश का मौसम था और इतना हिला प्लेन, तो जब कलकत्ता नागपुर पे रुके तो पैसेंजर्स को उन्होंने कहा कि आप जाकर कुछ चाय नाश्ता कीजिए, हम रिफ्यूलिंग करेंगे तो दोबारा बैठकर कलकत्ता की ओर चलना। तो रफ़ी साहब डैडी को कहते, महिंदर, वो पंजाबी में बात करते थे, यार ये इतना हिलता है प्लेन, दफा कर, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं, चल वापस चलते हैं हम लोग। तो डैडी ने कहा, रफ़ी साहब पाजी, वो थोड़े वास्ते सारी दुनिया उठे वेट कर रही है, तुम इस तरह वापस चले जाओगे, ए हिलते हैं हिलन दो, कुछ नहीं होएगा। इतने सीधे थे रफ़ी साहब, अच्छा कुछ नहीं होगा, चलो चलते आगे चलते। वो सुफियाना किस्म के लोग थे, उनका प्यार, उनका उनकी मोहब्बत। फिर वहाँ पहुँचे तो रात को वो बंगाली लोगों ने कहा कि दादा रफ़ी साहब आपको हम सुबह बुलाएगा 3 बजे, तब तक आप आराम करो, खाना वाना खाओ, आराम करो। तो वो 2 बिस्तर थे उस रूम में, एक पे डैडी लेट गए, पे रफ़ी साहब लेट गए। तो रफ़ी साहब कहते हैं कि चल महेंद्र बाहर चलते हैं, वो बगीचे उधर बालकनी में, बालकनी में गए और वहाँ ऊपर सितारे चांद सब देखकर, बहुत खूबसूरत आलम था। क्या बात कही उन्होंने, कहते हैं कि देख इतने खूबसूरत आसमान को बनाने वाले, चांद सितारों को बनाने वाले खुदा में कभी अहंकार नहीं आया कि मैंने इतनी इतनी बड़ी सृष्टि को रचा है। और कहते हैं हम यार सिर्फ गाना गाकर अहंकार कर लेंगे। तो ऐसा उनका मिजाज था। कहते हैं तू यार हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं इबादत करूंगा, तू पूजा कर चल, दोनों खुदा को याद करते हैं बैठकर। तो दोनों भाई ऐसे अगल बगल में, रफ़ी साहब ने वहाँ सजदा किया, डैडी बैठ गए वहाँ बैठकर। कहते हैं बस उस मालिक को याद करते हैं कि उसने कैसे कैसे इतनी खूबसूरत दुनिया दी हमको। तो रफ़ी साहब का जो मिजाज था बहुत ही सुफियाना किस्म का था, वो बहुत ही वो आम आदमी को समझ में आएगी नहीं बात उनकी, वो उस लेवल के लोग थे, वो उस लेवल के लोग। रोहन जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि आपके वालिद मोहतरम जनाब महेंद्र कपूर साहब बरसों तक कई बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने गीत गाया, तो आपने कभी फिल्मों में गाने के लिए ट्राई या कोशिश नहीं की? मैं एक्चुअली बचपन से मुझे गाने का शौक था, लेकिन कुछ 20-21 साल की उम्र में मुझे थिएटर किया मैंने, मैं तो मनोज जी का असिस्टेंट रहा, मनोज कुमार जी का असिस्टेंट डायरेक्टर था क्रांति में। फिर उसके बाद मैंने थिएटर किया शफी नामदार साहब के साथ,
उसी दौरान मुझे यश चोपड़ा जी ने बतौर हीरो अपनी फिल्म में लिया। कौन सी फिल्म थी रोहन साहब? फिल्म थी फासले, जिसमें फरहानाज और मुझे लॉन्च किया था उन्होंने। तो उसके बाद कई बरसों तक एक्टिंग करता रहा मैं, और वो जब एक्टिंग का सिलसिला कुछ ऐसा मेरा चला तकरीबन 92-93 तक जी। और एक 8-10 साल मैंने काम किया एज एन एक्टर। उसके बाद मैं डैडी के साथ शोज में, मुझे हम दोनों को एज ए फादर एंड सन लोगों ने बुलाना शुरू किया, और अनगिनत शोज हम लोगों ने साथ में किए। हमने रिकॉर्डिंग्स बहुत की, मैंने एल्बम्स बहुत किए, लेकिन कभी मुझे ये दिलचस्पी नहीं हुई कि मैं जाके फिल्मों में, क्योंकि 80s में क्या हुआ भाई, 80s में म्यूजिक का दौर कुछ इस कदर धीरे 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 गिरता गया कि जिन संगीतकारों को, जिन गुलकारों को सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए हैं, उनसे बहुत अलग था वो। अब उस जमाने में मैं जाकर किसी कहूं कि यार मैंने गाना तो मैं गाऊं तो क्या गाऊं, ओपिनियर साहब तो एक्टिव नहीं थे उस जमाने में, ना लक्ष्मी जी एक्टिव थे उस जमाने में, ना रवि जी थे, ना कल्याण जी अनंत जी। तो मैं, मेरा जो वो था, जो नजरिया था म्यूजिक का, तो मैं उसमें फिल्म बहुत इंजॉय कर रहा शोज में। आज भी मैं शोज करता हूँ अब भाई और बहनों की बदौलत, उन लोगों के आशीर्वाद से, और इसलिए मैंने बॉलीवुड में गाने का बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती नहीं। अच्छा अच्छा, तो रोहन साहब मैं बीच में एक बात आपसे आप कहूंगा कि आपने कहा कि स्टेज से बहुत कम करते हैं बहुत, तो मैं कभी आपको अपने शहर नागपुर में बुलाऊं तो आप यकीनन आएंगे? जरूर आऊंगा, नागपुर तो मुझे बहुत पसंद है और मैं जरूर आऊंगा। बने भाई, इन्होंने वादा किया है, अब इनसे वादा पूरा करवाएंगे, हम देखते हैं। अगला सवाल है, आखिरी सवाल नहीं, आपकी मुलाकात तो रफी साहब से यकीनन हुई होगी, तो जब आप पहली बार रफी साहब से मिले तो आपको क्या महसूस हुआ? जब मैं, देखिए, मैंने जब होश संभाला तो रफी साहब मुझसे पहले ही मेरे परिवार का एक हिस्सा थे। मेरा इस दुनिया में आने से पहले रफी साहब मेरे परिवार का ऑलरेडी हिस्सा थे। तो रफी साहब तो मेरे लिए, मैं क्या या ताऊ कहूँ या दादा कहूँ, डैडी उनको बड़ा भाई, उनको पिता समान मानते थे, उनकी उतनी इज्जत करते थे। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स उनके बहुत बहुत मुरीद थे। तो रफी साहब के कुछ मेरे पास क्लिपिंग्स हैं जहाँ रफी साहब ने मुझे गोद में उठाया हुआ है, और मैं बहुत छोटा सा हूँ। मेरे मुंडन सेरेमनी करते ना बच्चों के, जो बाल निकालते हैं, तो वहाँ पर रफी साहब आए हुए थे और मुझे गोद में ले लिया उन्होंने, और बहुत सी यादें हैं। पर उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग्स पे भी गया हूँ, रफी साहब के बच्चों से मिला हूँ, उनके जो दो बेटे अब दुनिया में नहीं हैं, सईद भाई और खालिद भाई जो लंदन में थे, बड़ी सी तरह हमारे शाहिद भाई जो अभी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छा प्यार है उनके साथ, भाभी के साथ, बच्चे के साथ। तो वो तो ये हमारा एक परिवार है। तो मेरे लिए रफी साहब जब आप बोलते हैं तो मेरे, मुझे ऐसा लगता है मेरे दादाजी का जिक्र हो रहा है, मेरे ताऊ का जिक्र हो रहा है, वो अलग नहीं है हमसे। रोहन साहब, चलते चलाते नाजरीन, हम चाहेंगे कि कुछ रफी साहब के एक दो गाए गीतों का मुखड़ा आप सुनाएं गाकर, फिर उसके बाद एक गीत महेंद्र जी का और रफी साहब का, सलीम भाई मौजूद हैं, तो फिल्म आदमी में शायद गीत था कैसी हसीन आज बहारों की रात है, तो आप दोनों मिलके वो बाद में गाएं, पहले एक दो गीत रफी साहब के सुनने वालों को गुनगुना दे तो मेहरबानी होगी। रोहन जी, इस लायक तो मैं समझता नहीं हूँ अपने आप को कि मैं रफी साहब के गाने गाऊं, लेकिन आपकी फरमाइश है तो मैं गाऊंगा। कुछ रफी साहब के अनगिनत गाने हैं और तकरीबन सभी गाने हमारे दिल के बहुत करीब हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है चुनना कि कौन सा गाना गाएं। लेकिन अभी जो उनका गाना जो मुझे अभी आजकल मैं सुना और बहुत बहुत मेरे दिल को हमेशा ही छूता है वो, सुहानी रात ढल चुकी, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने
तुम कब आओगे सुहानी रात, डर चुकी ना जाने तुम कब आओगे। शुक्रिया शुक्रिया। वो गीत कैसी हसीन आज बहारों की रात। अरे वो तो अच्छा, ये शुरू कीजिए। कैसे हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। कैसे हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। देने वाले तूने तो कोई कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। कैसी हसीन आज बहारों की शान है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। क्या बात।